अब बाबा केदार के कपाट खुलने में मात्र कुछ ही घंटों का समय शेष है। 25 अप्रैल सुबह 6:20 पर केदारनाथ के कपाट खुल जाएंगे। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली गौरीकुंड से निकलकर विभिन्न पड़ावों से होकर केदारपुरी पहुंच गई है। डोली के साथ हजारों के करीब तीर्थयात्री बाबा के द्वार पहुंचे। इस बीच यात्रियों में बाबा केदार के प्रति जोरदार उत्साह देखा गया। वही कपाट खोलने को लेकर बाबा के धाम को कई टन फूलों से सजाया जा रहा है। प्रशासन स्तर से यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केदारनाथ यात्रा पर इस बार भारी संख्या में भक्तों के आने की उम्मीद है। कई लोग तो डोली पहुंचने से पहले ही केदारनाथ पहुंच गए और वहां के मौसम का लुफ्त उठाते हुए दिखे। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल 2023 को सुबह 7:10 में खोले जाएंगे। 2 साल तक कोरोना महामारी के कारण चार धाम यात्रा बंद थी। साल 2022 में 2 साल के अंतराल के बाद ये यात्रा दोबारा शुरू हुई। इस दौरान 46 लाख यात्रियों ने चार धाम की यात्रा की थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बद्रीनाथ धाम में 17,60,646 श्रद्धालु आए थे। गंगोत्री धाम में 6,24,451, यमुनोत्री धाम में 4,85,635 यात्रियों ने यात्रा की थी। केदारनाथ पर रिकॉर्ड 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। 19 नवम्बर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ यात्रा का समापन हुआ था। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ 5वां ज्योतिर्लिंग है। ये 4 धाम में से एक है। हिमालय की तलहटी में बसा ये मंदिर समुद्र से 3,581 वर्ग मीटर की ऊंचाई में स्थित है। हिमालय में स्थित होने के कारण यहाँ पर सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है। इस कारण दिवाली के बाद से मई महीने तक इसके कपाट बंद होते हैं। मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में भगवान शिव ने इसी जगह पांडवों को बैल के रूप में दर्शन दिए थे। इस मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं और 9वीं सदी में कराया था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।